बुद्धि और ब्रह्म स्वभाव प्रयुक्त ही होता है। मान लो गुरु का जो उपदेश हम सुनते हैं वो तो वृत्ति तो है ना, जरूर वृत्ति है, लेकिन वह वृत्ति कैसे कैसे वृत्तियाँ, वो वृत्तियाँ इतने स्वच्छ वृत्तियाँ हैं जिसमें ब्रह्म का झलक स्पष्ट रूप से दिखता है। मान लो आप एक पत्थर शिला के सामने खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब दिखेगा क्या उसमें? और आप एक वो लड़कियां रखते ना घर में दहेज में ले जाते हैं एक लंबा दर्पण, उसको क्या कहते हैं? ड्रेसिंग टेबल के सामने अगर आप खड़े हैं तो क्या पत्थर के सामने खड़ा होना और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होना क्या बराबर होगा? यहाँ तो आपका प्रतिबिंब पक्का दिख रहा है, आप कैसे हो सब कुछ पता चल जाता है, पत्थर के सामने वो नहीं होता है। तो सांसारिक वृत्तियाँ साधारण पत्थर के भी है, उसमें हमको कोई लाभ नहीं होगा, मन का चंचलता ही बढ़ेगा। और अगर वो वृत्ति परमात्मा का हो, गुरु का उपदेश हो, तो वो तो दर्पण के माफी वहाँ तो सब कुछ दिख जाता है, परमात्मा का पूरा छाप वहाँ दिखता है, उससे हमको परमात्मा का ज्ञान होता है। ये बात समझे समझो का नहीं? गुरु के उपदेश से जो शब्द वृत्तियाँ उत्पन्न होती है उनमें अत्यंत स्वच्छ चरम वृत्ति अति श्रेष्ठ अति उच्च कोटि के वृत्तियाँ में स्वच्छ होने से हम दर्पण के आप ही उसको उदाहरण दे सकते हैं। नित्य अपरोक्ष ब्रह्म का जो स्फुरण होता है वह तो शिष्यों की स्वच्छ बुद्धि से ब्रह्म स्वभाव प्रयुक्त ही हो जाता है, उससे ब्रह्म का झलक मिलता है। यही बात है वो अनोखा, क्या वो वह छबिल छवि की झलके झलक। जब मन कभी समाहित तो हो जाए तो कहने का मतलब यह है कि गुरु के उपदेश में अगर मन रम गया तो फिर वो परमात्मा का जो चित्र उसे प्रतिबिंबित होता दिखा जाएगा। इसीलिए गुरु के उपदेश से आत्मतत्व प्राप्त नहीं किया जाता, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है ऐसा कहा गया। दर्पण कोई कारण नहीं होता है तुम्हारे प्रतिबिंब देखने के लिए, परंतु फिर भी दिखता है उसका दर्पण तो नहीं, दर्पण का स्वच्छता ही कारण है, दर्पण कारण नहीं, दर्पण का स्वच्छता निर्मलता ही कारण है। तथापि आचार्यवान पुरुषो वेद इत्यादि श्रुति से गुरु का उपदेश आवश्यक है
इस प्रकार जो कहा गया उसके ऊपर कहते हैं, फिर भी गुरु के उपदेश के बिना आत्मतत्व की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि कौड़ी की खोज के बिना चिंतामणि की प्राप्ति किसने की। अरे कौड़ी को तो ढूंढो तभी तो चिंतामणि मिलेगी। आप पद यात्रा कर रहे हैं, पहला बार जाएंगे कहाँ, लाक्षा मंडल जाएंगे। सुने नाम लाक्षा मंडल? नाम नहीं सुने ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। गंगोत्री तो सब सुने। लाक्षा मंडल एक जगह है जहाँ सैकड़ों शिवलिंग है, सैकड़ों शिवलिंग है, और एक बड़ा मुख्य शिवलिंग है जिसमें आप दूध का अभिषेक करेंगे तो आपका और सारे सब कुछ दिख जाएगा। बड़ा विचित्र शिवलिंग है, लगभग 5 फुट ऊंचा, 6 फुट ऊंचा, इतना बड़ा शिवलिंग। तो लाक्षा मंडल आप जाएंगे यहाँ से, सुन लिए ना, अभी मन में जग गया ना, जाऊंगा मैं, देखूंगा शिव जी का दर्शन हो जाएगा। जब लाक्षा मंडल के लिए निकल पड़े, क्या हुआ, इतना में पहुंच जाएंगे क्या? रास्ता में हजारों लोगों को पूछना पड़ेगा, अरे लाक्षा मंडल कहाँ है? पहले तो मेरे को पूछेंगे, स्वामी जी कहाँ है लाक्षा मंडल? मैं कहूँगा पहले बड़कोट जाना, यहाँ से बड़कोट जाना, बड़कोट जा करके फिर आप नौगांव के तरफ गाड़ी में बैठना, और फिर कोई उधर पूछ लेना, बता देंगे। मेरे से सुने आप बड़कोट गए, बड़कोट में फिर पूछेंगे, अरे वो नौगांव के तरफ गाड़ी कहाँ मिलेगा? कितने लोगों को पूछना पड़ेगा आपको? क्या ये जिन जिन को आप पूछ रहे हैं और जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो आपका शिव जी का दर्शन में कारण बन रहे हैं? उनके वजह से आपका शिव जी दर्शन हुआ क्या? पूर्ण रूप से वो कोई कारण नहीं है, आपका आँख ही कारण होगा आप दर्शन करेंगे शिव जी का, लेकिन ये सब सहायक कारण होते हैं, ये तो सब सपोर्ट करने वाले हैं। कारण अनेक किस्म के होते हैं, इसीलिए ये जो इतने लोगों को पूछ पूछ करके आप जाएंगे तो ये आपके लिए एक, इसके बिना आप नहीं देख सकते हैं, जरूरी पूछना पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु उपदेश आखिर सहायक कारण बन जाता है, जिसमें गुरु का, परमात्मा का वो छवि प्रतिबिंबित होता हुआ दिखेगा। फिर भी गुरु के उपदेश के बिना आत्मतत्व की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि कौड़ी की खोज के बिना चिंतामणि की प्राप्ति किसने की। वैसे ही बिना पूछे अनजान जगह पर कौन पहुंचा? क्या हनुमान किसी को बिना पूछे राम जी कहे सीता जी को ढूंढ कर ले आओ करके
मारे छटांग और सीता जी के पास पहुंच गए। क्या क्या नहीं किए हनुमान जी, ऐसे ही सब कुछ करना पड़ता है। इस महान अर्थ रूप तत्व में गुरु का उपदेश कारण न होता हुआ भी कारणता को उस तरह प्राप्त हो गया है जिस तरह चिंतामणि का कपर्दक चिंतामणि प्राप्ति में जैसे कौड़ी आपका कारण बन गया। कौड़ी का अगर ढूंढते नहीं तो फिर आप चिंतामणि प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे ही गुरु उपदेश अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह है कि कौड़ी के अन्वेषण की तरह मनन द्वारा गुरु का उपदेश कारण न होता हुआ भी अवश्य फल के दर्शन में कारणता को प्राप्त हो गया है। गुरु उपदेश एक कारण बन गया, इसको कहते हैं सहायक कारण अथवा अपरोक्ष कारण, परोक्ष कारण, परोक्ष इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉज। हे राघव देखिए यह माया महात्माओं को भी मोहित करने वाली है। बड़े यत्न से अन्य वस्तु का अन्वेषण किया जाता है और फल प्राप्त होता है, कोई दूसरा नहीं है। बड़े यत्न से अन्य वस्तु का अन्वेषण किया जाता है और फल जो प्राप्त होता है वो दूसरा कोई। मतलब ये उदाहरण दिया, मैं कहा जाओ लाक्षा मंडल देख लो, बड़ा सुंदर शिवजी हैं और शिवजी को जब दुग्धाभिषेक करेंगे तो उसमें आपका स्वरूप दिखेगा और भी बहुत सारे चीज़ें आप देखेंगे जो बोला नहीं जाता है। तो आप गए रास्ता में पूछते पूछते कितने दोस्त बन गए आपका, है ना। और कहीं आपका गांव का कोई मिल गया उधर, वो भी गया था, दोस्त मिल गया, और वहाँ शिव जी का दर्शन करने के लिए गए थे, रास्ता में जाते जाते और कुछ भी मिल गया। तो ये सारे चीज कैसे, आप तो गए थे एक चीज को ढूंढने के लिए दूसरी चीज मिल जाता है, एक चीज को ढूंढने के लिए जाने से दूसरी चीज मिल जाता है, ये कैसे अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे सलोनी को पूछो, वो समझा देगी कैसे। बाजार जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, अपने एक दो दोस्तों के साथ जा करके, स्वामी जी मेरे कपड़े सब पुराना हो गया, मेरे को कपड़ा खरीदना है, दे दो पैसा, दे दो, मैं जाता हूँ आज बाजार से कपड़ा लाना है, ठीक है, मैं पुराना हो गया, सब फट फुट गया, जाओ ले आओ। गई बाजार, चाउमीन खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, अरे हाँ मेरे को याद आया जीके का किताब लेना था, अरे हाँ मेरे मौसी का
मौसी की लड़की इधर रहती है, थोड़ा मिल जाऊं, ये सब होता है या नहीं? गए थे किसी लिए कपड़ा खरीदने के लिए, गए थे हम कुछ चीज पाने के लिए, मिल गया हमको और कोई कितनी चीज है। मौसी की लड़की बीमार थी और जरूरी था मिलने के लिए उसको, कपड़ा तो नहीं होने से चलेगा लेकिन उसको मिलना जरूरी था, चाउमीन खाना जरूरी था। ऐसे ही ढूंढते हम कुछ चीज मिलता और कुछ चीज, ढूंढ रहे थे कौड़ी मिल गया चिंतावणी, सुन रहे थे गुरु जी का बात कुछ कहानियां कुछ मौज मजलिस, उससे मिल गए परमात्मा, ये बात हुई। हम ढूंढते हैं कुछ चीज और मिलता और कुछ चीज, इस तरह कारण न होता हुआ भी गुरु उपदेश आदि आत्मलाभ में कारण बन गया है। आत्मलाभ हो जाने पर तो प्रारब्ध दोष से जो कुछ जागतिक भ्रम अवशिष्ट रहता है उसका एकमात्र उपेक्षा से ही नाश सिद्ध है। इसलिए उसके नाश के लिए किसी तरह से दूसरी यत्न की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, मनुष्य बड़े परिश्रम के साथ अन्य कार्य करता है और उस कार्य का फल उसे प्राप्त होता है, अन्य ही दूसरे चीज मिलता है, क्योंकि तीनों जगत में ऐसे ही देखा और सुना जाता है। इसीलिए आत्मलाभ के अनंतर प्रारब्ध शेष रहने से उपस्थित जागतिक भ्रम को असंग और अनिच्छा से ढोते चलना ही कल्याणप्रद है। प्रारब्ध कर्म को ज्ञानी लोग इस प्रकार थोड़ा बहुत सहन करते चलते हैं, प्रारब्ध कर्म को उपभोग करते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म कैसा है? बच्चे ले जाते हैं टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स में क्या ले जाते हैं? बड़ा सुंदर सुंदर स्लाइस टोस्ट, या नहीं तो परोठे, या नहीं तो पूरी सब्जी कुछ ले गए। स्कूल में हाफ टाइम होगा, भूख लगेगा, खाएंगे। खाने के बाद वो टिफिन बॉक्स को फेंक देते हैं क्या? क्यों नहीं फेंक देते हैं? अरे भाई, वो फिर काम में आएगा, इसलिए उसको ढो ढो करके घर में लाना पड़ता है, कल काम में आएगा। एक ऐसा रोजाना ले जाना पड़ेगा इसी में, इसीलिए उसको लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, रोजाना धो करके रखना पड़ता है। ऐसे ही टिफिन बॉक्स का जो टिफिन था उसको तो खा लिए, शरीर हमको मिला था प्राप्त आत्मज्ञान के लिए, हमको मिल गया। अच्छा, उसके बाद ये शरीर को फेंकना नहीं,
इस शरीर को रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें आत्मज्ञान का मौज बार बार लेना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। हर रोज टिफिन लेने में काम में आएगा, मजा लेंगे। अब गए ऋषिकेश, यहाँ से गाड़ी ले करके, अपनी गाड़ी ऋषिकेश जा करके पहुँचे। शिवानंद आश्रम जाना था, स्वामी जी को मिलना था, मिल गए। गाड़ी को फेंक दिए क्या? उसको तो रखे रहे, क्यों? फिर उसी में आना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म का सहन, मतलब भोग करने के लिए शरीर को रक्षा करना पड़ता है, और आत्मज्ञान होने पर भी इस प्रारब्ध कर्म का भोग अवश्य करना पड़ता है। इसी प्रकार 83 अध्याय समाप्त हुआ। अभी 84वां सर्ग में हम देखेंगे सिखी ध्वज का वैराग्य, चुड़ाला का आसन आश्वासन, रात में राजा सिखी ध्वज का सोई हुई अपने प्रिया को छोड़कर चुपचाप जंगल में भाग जाना, और मंदराचल में स्थिति, इन सब का वर्णन करेंगे। अब चुड़ाला को तो सब कुछ हो चुका है, आकाशगमन हो गया, उड़े नहीं उड़े, आकाशगमन हो गया, मतलब सत्य संकल्प से सब कुछ हो जाएगा। वो जो प्राणायाम का जो जो हमारे वर्णन किए थे, वो सारे चीज़ हमको प्राप्त हो चुका है। एक बार क्या हुआ, जब गप्पा मारना तो गप्पा मारो, क्या रखा है। एक बार क्या हुआ, मैं 11th क्लास में था, 11th में मतलब पहले मैट्रिकुलेशन तो 11th में होता था, और एग्जाम मतलब बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उसमें सब हम बच्चे लोग लगे हुए हैं, सबका कंपटीशन है, सब जितना जो हो सकता है अपना काबिलियत को साबित करेगा। तो हुआ क्या, हमारे क्लास में जो हमेशा फास्ट होता था, मैं तो बदमाश नटखटी एक नंबर था, फास्ट उस्ट नहीं, लेकिन हाँ लगभग फास्ट डिवीजन के आसपास 58-60, कभी कभी 55% तो जरूर मिलेगा, पढ़ना तो है ही नहीं, नंबर कहाँ मिलेगा, लेकिन उसको तो मिलता था 80% हायर फास्ट डिवीजन। उस जमाने में 80% तो बहुत सपने की बात है, आजकल तो 99% रख रहे हैं। तो वो उसको कोई एक सवाल नहीं आया, कुछ हल कर रहा था, सवाल नहीं आया, तब फिर वो क्लास में आया। क्लास में आकर के हमारे गणित टीचर को पूछा, सर ये सवाल मेरे से नहीं होता है, आप थोड़ा समझा दीजिए।
हमारे जो गणित टीचर थे वो थे मैथमेटिक्स में PhD डॉक्टरेट कर रखे, उनका किताब सब लिखा हुआ किताब बिहार यूनिवर्सिटी में, आंध्र यूनिवर्सिटी में सब चलता है, और उनका लिखा हुआ किताब इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएट क्लास में सब चलता है, और वो हाई स्कूल में हमको पढ़ा रहे थे, बहुत नॉलेज उनका, ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ जो उसको हल नहीं कर सकता है। वो लिए, वो सवाल को लिए और ब्लैक बोर्ड में समझाने के लिए वो खड़े हो गए, नहीं हो रहा नहीं हुआ, दोबारा देखें कोशिश किए नहीं हुआ, तिबारा नहीं हुआ, होल पूरा क्लास चले गया, पूरा समय बीत गया, 45 मिनट का क्लास नहीं कर पाए, लेकिन शर्मिंदा नहीं हुए। वो कहे बेटा ये मेरे से नहीं हो रहा है, मैं फिर इसमें हल करूँगा, तुमको आज शनिवार है, सोमवार को मैं बताऊँगा, तुमको जरूर बताऊँगा, एक हो जाएगा, कोई भी कर ले, अभी नहीं हो रहा। लेकिन क्लास में तो बच्चे लोग हैं, इसीलिए बच्चों को कुछ समाधान दे करके तो चले गए, लेकिन मन ही मन उनको इतना चोट लगा कि एक सवाल में नहीं कर पाया। तो जो हाई स्कूल का जो कॉमन रूम होता है ना, एक उसमें सब टीचर लोग बैठते हैं और हेडमास्टर भी कभी आएंगे, कभी गप्पा मारते हैं, कभी जिनका क्लास नहीं, कभी कुछ कुछ खाना पीना भी होता है, कभी नाश्ता पानी गरम ठंडा पीना होता है कॉमन रूम में। गए हैं, हाँ स्टाफ रूम, तो वहाँ जा करके सब टीचर लोग हैं, उसमें चार पांच और भी बड़े काबिल गणित टीचर थे, उनको जाकर के सबको पूछे, साइंस टीचर थे, उन्हें वो भी गणित में माहिर है, तो सबको जाकर के पूछे भैया ये एक सवाल हल करो, कोई नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाए। आखिर में एक कोई बच्चा था, वो बच्चा उसको जिद्दी आया कि ये कौन सा सवाल है कि होगा नहीं, वो एक दिन बैठा उस सवाल के ऊपर खाना पीना छोड़ करके, जब तक ये सवाल का हल नहीं करूँगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, सुबह से बैठा, और रविवार के दिन, शनिवार को वो पूछा था, रविवार के दिन नहीं नहीं वो शुक्रवार को पूछा था, शनिवार को आकर के गुरुजी कहे थे कि सोमवार को बताऊंगा, ये लड़का को बहुत गुस्सा आया कि सवाल कैसे नहीं होगा, तो वह रविवार को बैठा दिन भर, शाम को हो गया सवाल। कहने का मतलब क्या हुआ
अरे जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, जो दूसरे से नहीं होगा वो आपसे हो जाएगा, जो आपसे नहीं हुआ वो दूसरे से हो जाएगा। ऐसा कोई दुनिया में तो काम नहीं जो नहीं हो सकता है। मायायाम सर्वसंभव, ये है फॉर्मूला। माया में हर चीज़ संभव है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो असंभव है? चूड़ाला को तत्क्षण हो गया, सिखी ध्वज को नहीं हुआ। सिखी ध्वज लगा हुआ है, लगे रहो इंडिया, लगा हुआ है। उसको क्या हुआ? उसी चीज को अर्थ कैसे ले लिया? मैं ठहर तू, मैं तेरे को देख लूंगा, तो इसका क्या अर्थ हुआ? उतना दूर क्यों जाए, रुको मत जाओ, क्या हुआ अर्थ? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, जहाँ वो अर्थ कर दोगे वो अर्थ हो जाएगा। तो ऐसे ही एक ही चीज को चूड़ाला तत्क्षण ज्ञान में अनुभव हो गया उसका, मैं ही परमात्मा हूँ। परमात्मा सर्वव्यापक, इसी को जो मान लिया उसको देरी कहाँ लगेगा भाई? परमात्मा सर्वव्यापक है इतना जो मान लिया उसको आत्मज्ञान में देरी क्यों लगेगा? तत्क्षण सर्वव्यापक है तो मैं क्या उससे अलग हूँ? एक बच्चे को भी, बच्चा अगर मान लेगा उसको भी ज्ञान हो जाएगा। अनपढ़ गंवार कोई जंगली जानवर को भी ज्ञान हो सकता है, और बुद्धिमान गुरु भक्त ऐसा जीव को कैसा नहीं होगा? लेकिन इसी को हम दूसरे ढंग से अगर इसको समझे नहीं, भगवान तो सर्वव्यापक हैं पर भक्ति, भगवान का नाम भावग्राही है, भक्ति भाव को वो ग्रहण करते हैं, ये अगर कान में पड़ गया, हम उस भाग को छोड़ दिए सर्वव्यापक है भक्ति भाव में। भक्ति जब तक सिद्ध नहीं हुआ, भगवान 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 दिन रात जब तक नहीं रटा मैं, तब तक भगवान मेरे पास नहीं आएंगे। अरे भगवान पास आएंगे कैसे, कहाँ से आएंगे, वो हम नहीं सोचते हैं। नहीं, भक्ति से भगवान मिलते हैं। योगा के बिना, योगाभ्यास के बिना भगवान नहीं मिलते, क्योंकि योगाभ्यास से मन एकाग्र होता है। तो लगे रहो इंडिया, वैराग्य के बिना भगवान नहीं मिलते, ये सब शास्त्र वचन है, गुरु वचन है। हम समझे नहीं कि परमात्मा अंदर बैठा है, देख नहीं पा रहे हम, तो वैराग्य अभ्यास करना लग जाए। मुझे ये कमर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ले जाओ, मैं पैसा नहीं छूता हूँ, वैराग्य अभ्यास कर रहे लगे। मैं पैसा नहीं छूता, वो आए थे ना हमारे आपको लगे थे बोले ऐसा हुआ क्या? पहला दिन आते ही मेरे पास बैठ के सारे अपना परिचय दिए, स्वामी जी मैं परिव्राजक महात्मा हूँ, मैं कहीं रहता नहीं, मेरा कुछ नहीं दुनिया में। अच्छा, मैं पैसा नहीं चूता हूँ, ठीक है भाई। मैं एक भी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं किया, सब सुनते रहा। मैं पैसा नहीं चूता हूँ,
मैं ये नहीं करता हूँ, वह नहीं करता हूँ, ऐसा और ऐसा ऐसा मैं घूमते रहता हूँ। तो बहुत सारी कहानियाँ अपना बताए, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो वह जब बोलते हैं, मैं किसके कहीं आश्रम में बहुत दिन नहीं रहता हूँ, ऐसा करता हूँ, सब बोलते गए। तभी मैं एक एक कहानी बोला, अपना तो मुँह बंद हो गया उनका। मैं एक छोटी सी कहानी बोला, सांझ मैं भी कभी ऐसे ही घूमता था, लेकिन किसी आश्रम में नहीं जाता था, रास्ता किनारे सोया पड़ा रहता था कहीं जंगल में पेड़ के नीचे बहुत रात बिताया। और वह टूटा फूटा मकान में बहुत जिंदगी बिताया। परिव्राजक में भी कभी दो चार दिन अनुभव किया हूँ, तब फिर उनका बोलना बंद हुआ। तब वो क्या कह रहे थे, अरे मेरा दिमाग कहाँ से कहाँ चले जाता है। उनकी कहानी क्यों आया यार, वैराग्य, वैराग्य के ऊपर मैं ऐसा वैराग्य अभ्यास करता हूँ, और विरक्ति वैराग्य, और मैं भगवत चिंतन करता हूँ। ये सब शास्त्र का वचन है, शास्त्र वचन को मैं पालन कर रहा हूँ, सन्यासी हूँ। हाथ नहीं लगाता, पैसा नहीं जूता हूँ, नहीं हाथ नहीं लगाता। हाँ दूध मक्खन चलेगा हमारे एक बड़े भारी नेता थे, सारा दुनिया जानता है उनका नाम। तो वो कैलाश आश्रम में एक बार आए, मैं कैलाश आश्रम में बैठा हूँ, उमानंद साजी हमारे दोस्त थे। तो आ करके कहते हैं, उमानंद साजी पूछे, साझे आपका शाम का भोजन यहीं करेंगे या आप और कहाँ, आपका क्या, स्वामी जी नहीं थे, नेताजी थे। अच्छा भगोड़ा जी, आप रात को यहीं रुकना है या कहीं जाना है, आपका क्या प्रोग्राम है। ना नहीं, मैं रात को तो यहीं रुकूंगा, दो तीन दिन यहीं रुकूंगा, और मेरा बहुत सारा काम है उत्तरकाशी में, तो मैं यहीं रुकूंगा सांझी, लेकिन मैं फलाहार करता हूँ। तो उमान सांझी कहे ठीक है, मैं कुछ आलू उबाल दूंगा आलू उबाल नहीं नहीं आलू नहीं खाता हूँ, उसमें वायु होता है। ऐसा करना, थोड़ा एक कटोरा में थोड़ा मलाई रखना, एक कटोरा में थोड़ा मलाई रखना, और झंगोरा का खीर खाता हूँ, और उसमें थोड़ा वो जो हो जाए, अगर क्या वो कमल गट्ठा, तब तो ठीक है। और रात को सोते वक्त थोड़ा सा दवाई लेता हूँ मैं, इसीलिए एक ग्लास दूध चलेगा। गरीब लोगों का भोजन अन्न फलाहार करता हूँ मैं, गरीबों की साथी हूँ। अन्न तो राजा महाराज लोग खाते हैं, मैं अन्न नहीं खाता हूँ,
हाँ फलाहार करता हूँ, एक कटोरा मलाई में चल जाएगा। समझ गए आप? तो ऐसे में फला मैं पैसा नहीं चुता हूँ, एक वो जाना है ना, मेरे को गोमती जाना है, एक स्लीपिंग बैग अगर ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए तो ठीक है, तो पैसा मैं नहीं रखूँगा, तुम खरीद के ला देना ऑर्डर। मैं पैसा नहीं जुटा हूँ, आश्रम के लिए 10 कंटर घी भेज देना। और हमारे एक गुरु भाई थे, कुछ दिन पैसा नहीं, वो पैसा नहीं जुटते थे, वैरागी है, इधर रख दो पैसा, मैं पैसा नहीं जुटा हूँ। भगवान, ये शास्त्र वचन जो वैराग है, ये वैराग को अभ्यास नहीं किया तो ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए सिख ध्वज लगा हुआ है, ये सिख ध्वज की कहानी सब। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है श्री राम जी, उसके बाद राजा सिखध्वज तत्व ज्ञान रूप विश्रांति स्थान के लिए बिना परम मोह को, बिना मतलब आत्म तत्व ज्ञान विश्रांति स्थान के बिना परम मोह को उस तरह प्राप्त हो गया जिस तरह संतति शून्य पुरुष शोकादि रूप तम से अंधता को प्राप्त होता है। जिसका लड़के बच्चे नहीं है, जिंदगी भर दुखी होता है, मेरा कोई नहीं, और जो संतान प्राप्त किया उसको पूछा नहीं वो कि कितना सुख मिला उसको। तो ऐसे ही मुझे आत्मज्ञान नहीं मिला, आत्मज्ञान नहीं मिला, इतने शास्त्र पढ़ लिया मैं, और शास्त्र का वचन जो है परम वैराग्य महात्याग सर्वत्याग ये सब मैं नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया, मुझे आत्मज्ञान नहीं मिला, मुझे इसको प्राप्त करना है, तपस्या करना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, आत्मज्ञान का जंगल में जाना है, तपस्या करना है, ये सब उसके मन में बैठ के महामोह को प्राप्त करवाया, तपस्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उसके दिमाग में बैठ गया कि सर्वत्याग चाहिए, त्याग के बिना नहीं होगा, ये त्याग कैसे होता है, कमल को फेंकने से होता है या रटते रहना से होता है कि मैं पैसा नहीं छूता, मैं पैसा नहीं छूता, मैं पैसा नहीं छूता, इसका जप करने से हो जाएगा त्याग, उसके मन में ऐसे ही बैठा, समझा नहीं बेचारा, महामोह को प्राप्त हुआ, दुख रूप अग्नि से संतप्त वह सिखी ध्वज
सामंत आदि प्रिय वर्ग द्वारा लाई गई रत्नादि बहुमूल्य संपत्तियों में अग्नि शिखा की तरह तनिक भी रमण नहीं करता था। कितने सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं। सोना बहुत कीमती है ना, लेकिन सोना को तो सब चाहते हैं, सोना चाहिए सोना चाहिए, सोना बड़ा कीमती चीज। अग्नि में सोना को डाल दो, क्या अग्नि उसको पकड़ के रख लेता है? उस अग्नि क्या करता है, अग्नि सोना का मैला को धो करके उसको नया चमक दे करके आपको वापस कर देता है। बताओ, जैसे अग्नि शिखा मणि रत्न इत्यादियों को स्वीकार नहीं करता है, जला देता है, ऐसे ही शिखित ध्वज को धीरे धीरे जो सामंत राजाओं से लाया गया उपहार सब महा मूल्यवान जो वस्तु सब फीका देखने लग गया कि ये सब मुझे ग्रहण नहीं करना है। हमारे एक दूसरे गुरु भाई थे, पहले यही हमारे दोस्त अपरिग्रह करना, तो वो क्या करता था उस जमाने में, बिरला और मोदी और दूसरे लोग सब आकर के बहुत संत महात्मानों को बहुत कुछ बांटते थे, स्वेटर कमर हर साल आएंगे। कितने सेठ लोग आकर के उत्तरकाशी में, बड़ा ठंड पड़ता है बर्फ पड़ता है और महात्मा लोग बड़े तपस्वी होते हैं करके आकर के बहुत चीज देते थे। एक बार हम जा रहे थे क्षेत्र में, रास्ता में बैठा है बड़ा भारी सेठ, वो सब दे रहा है कंबल स्वेटर और सब चीज दे रहा है। तो इसका जब बारी आया, मैं तो आगे आगे था, मैं तो ले लिया कंबल ले लिया, लेकिन जब ये पीछे था वो कंबल को जब दिया, वो कंबल को लेकर वहाँ फेंक दिया और आकर के मेरे साथ झगड़ा हुआ। हम साथ साथ रहते थे, मैं कहा बदमाश तू क्यों रे ले करके फेंक दिया, नहीं मेरे पास इतने कमल है, अपरिग्रह करना चाहिए आदमी को, क्यों इकट्ठा किया, तू बड़ा लालची है, तू इसको सब संभा इकट्ठा करता रहता है। मेरे साथ बहुत झगड़ा हुआ, कमल को फेंक दिया। तो कहने का मतलब, इसको परिग्रह नहीं कहते हैं, मन से नहीं छूना, मन से इकट्ठा नहीं करना, मन में जो आसक्ति युक्त भावनाएं सब वस्तु के साथ है वो है संग्रह। अपरिग्रह करना मतलब किसी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं रखना चाहिए, लेकिन शिखित ध्वज को वह नहीं समझ में आया। व्याध द्वारा बाण छोड़े जाने पर भी भाग्यवश घायल न हुआ हिरण व्याध से डर करके जैसे एकांत स्थल में निवास के लिए प्रेम करता है, वैसे ही वह राजा एकांत दिगंतों में, निर्झरों में और गुहाओं में निवास के लिए
प्रेम करने लगा, धीरे धीरे एकांत में प्रेम हुआ उसको। इधर वैराग्य धीरे धीरे बढ़ा, उसको बार बार मनन हो रहा है, मनन कर रहा है कि शास्त्र ऐसा कहा था, पर शास्त्र का मनन करने में एक बार में सही अर्थ नहीं होगा, ये भी समझना चाहिए। चूड़ाला शास्त्र वचन को मनन किया, अच्छी तरह मनन किया और उसको समझा, उसको स्वीकार किया, स्वीकार करके उसको अपना कर दिया, अपना बना दिया, मैं ही परमात्मा, तो हो गया दृढ़ पूर्वक। तो सिखे द्वार मनन किया, मनन उसका दूसरे ढंग से हुआ, अर्थ उसका दूसरा समझा। वो सिखे द्वार मनन किया कि ज्ञान वैराग्य अभ्यास है न तो कौन थे वैराग्य न तो गृहते, वो इस प्रकार मनन किया, मनन करके उसको समझा, समझ करके उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु आधा अधूरा अभ्यास करने में लग गया। ऐसा करते करते धीरे धीरे वो गहराई तक गया। नहीं कश्चित कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति, कोई ऐसा आध्यात्मिक पूर्ण अपने इच्छा से आध्यात्मिक अभ्यास कभी भी निष्फल नहीं हो सकता है, कभी ना कभी फल देगा। इसीलिए वो शास्त्र अध्ययन किया था, सही दिल से श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ, इसीलिए वो श्रद्धा विश्वास के कारण शास्त्र वचन धीरे धीरे इसके मन में बैठा। वो फिर उसके अभ्यास करते रहा, वैराग बढ़ते गया, अभ्यास बढ़ते गया, वो सत्संग करते रहा, एकांत का सेवन करते रहा, एकांत का सेवन में मनन को और दृढ़ किया। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, उसको भी मनन किया। ये सब करते करते उसको एकांत में ज़्यादा रुचि आने लग गया। ये एकांत अचानक सबके लिए उपयुक्त नहीं, धीरे धीरे होना सही है। और वह कैसे एकांत को सेवन करने लग गया, जैसे बाघ द्वारा कोई हिरण पीछा किया गया, बाघ उसके पीछे पड़ गया, मारेगा खाएगा उसको, लेकिन वो पैंतरा मार करके इधर उधर घूम घाप करके कहीं छिप गया, बाघ उसको नहीं पकड़ पाया, वो बच गया। बच गया तो क्या करेगा, वो कहीं जा करके छिप जाएगा जहाँ बाघ कभी नहीं देख पाएगा। ऐसा जैसे हिरण का हालत होता है, तो सिखे ध्वज का हालत ऐसे ही था। संसार का ये जो दुख जिसका पीछा कर रहा है, वो पीछा करते करते कोई अगर बाई चांस बच गया इसी से, चिंता शाम पीनी का ही न खाई, चिंता से कौन ग्रस्त नहीं हुआ, संसार का आसक्ति के कारण जो हमको दुख मिलता है उसको किसको नहीं हुआ। कबीरदास इतने बड़े ज्ञानी कहते हैं
कोई गुरुजी कोई तन दुखी कोई धन दुखी कोई तन दुखी कोई तो सबका शरीरम व्याधि मंदिरम सबको रोग है। देखो ना मेरा पैर सूजन हो गया तो सुबह मैं भी दुखी और वो बिजू भी बेचारा आगे कदा सांझ जी पहले थोड़ा तेल लगा देते सब दुखी हो गए। कोई तन दुखी कोई धन दुखी। अरे क्या करूं वो मकान बनाया था उसको इतना कर्जा रह गया दे नहीं पाया। कोई धन दुखी कोई मन से रहे उदास। कहा कबीर सारा जग दुखी सारा जग दुखी है। ये चिंता सबके पीछे पड़ा हुआ है। बाघिनी माया ठगिन रे मैं जानी महा राक्षसिनी है माया। ये सबको परेशान करती रहती है। तो ऐसे ही जैसे कोई इससे बचने के लिए कोशिश करता है जा करके एकांत में छिप जाएगा ऐसे ही कबीरदास जी बोले ये तो सारा दुनिया दुखी है परंतु एक सुखी आदमी है दुनिया में वो कौन है भाई महाराज श्री कौन होगा वो हैं राम कृष्ण बिल्कुल। वो कहा कबीरदास कहा कोई तन दुखी कोई धन दुखी कोई मन से रहे उदास। कहा कबीर सारा जग दुखी सुखी एक रामदास। राम का जो नाम लिया वो सुखी हो गया। कैसे सुखी वाल्मीकि का शरीर मांस तक खा करके दिमाग सब खत्म कर दी फिर भी वो सुखी था। शरीर का मांस तक नहीं रहा और कबूतर का वजन का मांस देना है शरीर से सिबी सारा शरीर को चढ़ा दिया तराजू पर फिर भी सुखी रहा क्योंकि रामदास था वो भगवान का चिंतन करता था। व्याध द्वारा बाण छोड़े जाने पर भी भाग्यवश घायल न हुआ हिरण व्याध से डर करके जैसे एकांत स्थान में निवास कर निवास के लिए प्रेम करता है वैसे ही वह राजा एकांत दिगंत में निर्झरों में और गुहाओं में निवास के लिए प्रेम करने लगा एकांत का सेवन करने लगा। ये जरूरी है। एकांत का सेवन जरूरी है लेकिन अचानक जा करके एकांत में रहने से उसका रिएक्शन होता है अचानक नहीं जाना चाहिए परंतु धीरे धीरे एकांत का समय को बढ़ा करके और एकांत का ज़्यादा सेवन करके मन को एकाग्र करना चाहिए। एकांत के बिना जो अभ्यास पक्का नहीं होता है और जिसको एकांत का ज्ञान हो गया वो तो बीच बाजार में भी एकांत को अनुभव करता है। इसके ऊपर भी कहानी सुनो।
जिसको एकांत क्या चीज समझ में आ गया वो बीच बाजार में उसके लिए भी एकांत है। पिथागोरस जो सारा दुनिया में गणित शास्त्र में बड़े मशहूर सब जानते हैं, बड़े वैज्ञानिक थे, रोम का, वो एक बार कुछ गलत काम हो गया उनसे, ऐसे ही तो सबको हो जाता है, कुछ गुस्सा के कारण कहीं कुछ हो गया। वो राजा का बड़ा प्रेमी थे, लेकिन राजा के पास जब केस गया पिथागोरस का, तब राजा ने सोचा भाई दोस्त तो है लेकिन न्याय तो न्याय है, मैं इनको दंड दूंगा, लेकिन इनको ऐसा दंड दूंगा जो उनको कष्ट नहीं होगा। मैं बोलता हूँ ना बच्चों को, गुस्सा आने से गुस्सा तो कंट्रोल होता नहीं, मैं कहता हूँ ऐसा मारूंगा ना, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। तो बच्चे मजाक से बोलते हैं सर जी कैसे, मैं कहता हूं ऐसा करता उसका दर्द कहां से होगा। तो पिथागोरस का राजा बोलता है, सोचता है मेरा दोस्त है इसको मारूंगा नहीं, लेकिन इसको दंड तो देना है, ऐसा दंड दूंगा कि दर्द नहीं होगा। तो वो क्या किया, जहाँ सबसे ज्यादा बिजी स्थान है रोम में, उस चौरा में एक कांच का घर बनाया, कांच का घर बना करके राजा उसी में उनको बंदी कर दिया, तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, यही तुम्हारा दंड है, खाना पीना सब मिल जाएगा। तो पिथागोरस का वो तो बड़ा महान सिद्ध व्यक्ति था, वो क्या किया, उस कांच के मकान में चारों तरफ से सब दिखता है, सारा दुनिया दिखता है, वो इतना बिजी, कोई कुछ कोई कुछ, आदमी उधर पागल हो जाएगा बैठेगा तो। वो आंख बंद कर दिया, आंख बंद करके मन ही मन एक ब्लैक बोर्ड बना, एक रफ बुक बना दिया मन ही मन, और उसी में सारे सवाल जवाब करते रहा करते रहा करते रहा, बहुत बड़े 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 थ्योरी से निकाल दिया। एकांत है उसके लिए, उसके लिए वो एकांत रहा, आंख बंद कर दिया, देखा नहीं कुछ, शब्द तो आता नहीं कांच का मकान है, इसीलिए जो पक्का है, मन का पक्का, मन का सच्चा, वो तो बीच बाजार में भी एकांत है उसके लिए, लेकिन जिसको समझाने एकांत क्या चीज और मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको जंगल भी शहर लगता है। बहुत उदाहरण ऐसा ही है, जंगल में भी शहर लगता है उसके लिए। तो राजा को एकांत बड़ा प्रिय लगने लगा। हे राघव, तुम्हारे समान सांत्वना अनुनय सांत्वन तुम्हारे समान सांत्वन अनुनय एवं बोधन से
भृत्यों द्वारा प्रार्थित वह राजा समस्त दिवस कर्म का संपादन करता था। अभी उसको वैराग्य धीरे धीरे आ रहा है। सिखिध्वज को वशिष्ठ जी उदाहरण दे रहे हैं राम जी का, राम जी को राम जी का उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं राम, तुम्हारे अंदर तो वैराग्य बड़ा भारी चढ़ गया था, बड़ा भारी लेक्चर झाड़ा मेरे सामने, बहुत वैराग्य आ गया था, तो तुम कैसे, तुम्हारे नौकर चाकर जब आकर के बोलते थे राजकुमार थोड़ा भोजन कर लो, तभी करता था, नहीं तो नहीं। राजकुमार थोड़ा नाश्ता कर लो, तभी तुम करते थे, ये तो तुम ही जानते हो। सिखिध्वज राजा कैसे भृत्यों का द्वारा अनुनय विनय करने के बाद ही कुछ खाना पीना अपना राजकीय ऐश्वर्य को ग्रहण करता था, नहीं तो नहीं, वैराग्य हो गया, एकांत का भी हो गया। प्रतिदिन उसका वैराग्य तीव्रतम होता जाता था। वह एक तरह से सन्यासी सा स्थित था। अरे जगह क्या रखा है, सन्यासी क्या अभी महात्यागी बनने लग गया। उसकी बुद्धि अत्यंत शांत थी, इसलिए बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भोग और विषयों का उपभोग करने में उसका चित्त छिन्न हो जाता था। अरे ये बेकार का क्या करना है, क्या रसगुल्ला खाना, क्या खीर खाना, छोड़ो वही सूखा टिकड़ का टुकड़ा बहुत है, पेट तो भरना है, क्या करना है। हे मानद, उसने गो भूमि सुवर्ण आदि का देवताओं ब्राह्मण और स्वजनों को खूब दान दिया। जो अपने पास जो धन संपत्ति था, अपने साथियों को, गरीबों को, सब को लुटा दिया, कुछ नहीं चाहिए। तप करने के लिए कृष्ण चंद्रायण आदि व्रतों का आचरण किया। उसने तीर्थों में, वनों में और आश्रम में परिभ्रमण किया। क्या क्या ज्ञान प्राप्ति के लिए वो क्या क्या समझा, ये बात तो सही है, शास्त्रों का बोलने के अनुसार ये कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, लेकिन शास्त्रों को इसी ढंग से ये समझा। वो क्या कर रहा है कि पहले तो अपना परिग्रह को अपरिग्रह करने लग गया, सब संपत्ति सब दान कर दिया। फिर क्या क्या व्रत उपवास वगैरह क्या, चंद्रायण व्रत कैसे होता है, चंद्रायण व्रत बड़ा कठिन बड़ा भयंकर व्रत होता है, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चंद्र का एक महीना में एक एक कृष्ण पक्ष का 15 दिन और शुक्ल पक्ष का 15 दिन होता है, तो चंद्रायण व्रत एक महीना का होता है। उसमें करना क्या, चंद्रायण व्रत में पहले तो पूर्णमासी के दिन 15 ग्रास भोजन करना, पूर्णमासी के दिन, उसी दिन से चंद्रायण व्रत शुरू करता है। 15 ग्रास भोजन करना, तुम इतना इतना खाओ चाहे इतने इतने खाओ,
वो तुम्हारे ऊपर है। 15 ग्रास 15 बार खाना, 16वां बार नहीं। उसके बाद चतुर्दशी के दिन 14 ग्रास, त्रयोदशी के दिन 13 ग्रास खाना, धीरे धीरे कम करते जाना। दशम के रोज 10 ग्रास, प्रतिपदा के रोज 1 ग्रास भोजन करना और मना। तो फिर क्या करोगे, भूखा प्यासा रहो। दिन में 1 बार 1 ग्रास, 4 बार पेट भरना नहीं, 1-1 ग्रास ऐसा नहीं। तो दूसरे दिन शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा शुरू होगा। अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं, और शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास फिर लेना। बीच में तो पूर्ण उपवास, और शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास, ऐसा करते बढ़ता बढ़ाते बढ़ाते फिर पूर्णमासी को 15 ग्रास भोजन करना। उसके बाद तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। 1 महीना के अंदर 15 दिन तो पूरा व्रत रखना, बिल्कुल कुछ नहीं खाना, और बाकी सब 1-1 ग्रास कमते करते करते बढ़ाते बढ़ाते फिर अपना नॉर्मल स्थिति में आना। इसको कहते हैं चंद्रायण व्रत। ये बड़ा मुश्किल होता है मन को कंट्रोल करना, क्यों, जब भोजन है, भूख लग रहा है, 1 बार खा करके कैसे छोड़ देना। बड़ा मुश्किल होता है। पूरा भूखा रहना आसान है, लेकिन भोजन रखा हुआ उससे 1 बार खा करके छोड़ देना, ये तो कठिन है। मन को कंट्रोल करना पड़ता है। इसी प्रकार राजा चंद्रायण व्रत किया, व्रतों का आचरण किया, उसने तीर्थ सेवन करना, तीर्थ भी किया। ये सारे चित्त शुद्धि के उपाय हैं। वो चित्त शुद्धि करने में लगा हुआ है, एकांत सेवन, अपरिग्रह, और फिर धीरे धीरे व्रत, उपवास, तपस्या, और फिर कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा। तीर्थ क्यों करते हैं, तीर्थ में क्या मिलता है, तीर्थ यात्रा को हमारे शास्त्रों में क्यों इतना महत्व देते हैं, तीर्थ यात्रा करने से होता है क्या। तीर्थ यात्रा हम जैसे करते हैं हेलीकॉप्टर में, वह नहीं होता है। तीर्थ यात्रा तो पैदल मार्च करना पड़ता है, पैदल चलना चाहिए, ताकि संत सुखी विचरंत मही। तुम दुनिया का अलग अलग हिस्सा का सौंदर्य और जो वैषम्य को अनुभव कर पाओगे, दुनिया कैसा देखोगे, ज्ञान बढ़ेगा। परंतु उस ज्ञान के साथ साथ होता क्या, हर चीज को रोजाना बदलते जाते हो, पैदल यात्रा करते हो, तो बदल दोगे तो क्या होगा, वैराग बढ़ेगा। जो आज है कल नहीं तुम्हारे पास, जो कल है वो परसों नहीं। इसी इस ढंग से दुनिया एक स्वप्न के जैसे लगेगा, और वह स्वप्न में दुनिया का अनुभव होगा। और अपने घर में तो तुम मालिक हो। तीर्थ यात्रा जब कर रहे हो, पैदल जा रहे हो,
कोई चीज़ तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं, इसीलिए तुम भगवान के ऊपर, दूसरों के ऊपर निर्भरशील हो गए, तब दूसरों के ऊपर भरोसा और भगवान के ऊपर भरोसा बढ़ेगा, श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। फिर तीर्थ में इतने फायदा है, जब जलवायु का परिवर्तन होगा, अपने जगह पर जहाँ रहते हो वहाँ एक किस्म का जलवायु तुम सेवन करते हो, तीर्थाटन में अलग अलग जगह का जल वायु का तुम सेवन करोगे तो शरीर में बदलाव आएगा, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहावत है हमारे हिंदी में, क्या रे उसके साथ क्या बात करते हो, वो घाट घाट का पानी पिया है। उसके साथ बात नहीं करना, घाट घाट का पानी पिया है, मतलब अलग अलग पानी पियोगे, अलग अलग भोजन करोगे तो शरीर कैसे एडजस्ट करता है क्लाइमेट के साथ, वो तुम्हारे शरीर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा। इसी प्रकार परिवर्तन से बहुत कुछ हमको प्राप्त होता है। ये तो हुआ जलवायु का परिवर्तन, स्वास्थ्य का, उसके साथ साथ हम भाषा और संस्कृति का भी अलग अलग परिवर्तनशील नए नए चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके साथ मिलते जुलते अलग लोगों के साथ, अलग अलग लोगों का भाषा, उनका खान पान, उनका पहन, सबके साथ मिलते हैं, इसीलिए उसके जो एडजस्टमेंट वो हमको जरूरी चाहिए। क्यों चाहिए? मन उसमें ट्रेंड होता है, मन हर परिस्थिति को स्वीकार करना, ये एडजस्ट करना, ये इसमें अभ्यस्त होता है। इसलिए गुरुदेव का हमेशा कहना है, सबसे बड़ा साधना है एडजस्ट एंड अकोमोडेट, एडजस्ट एंड अकोमोडेट, दिस इज हाईएस्ट साधना। ये जबरदस्त तीर्थाटन में मिलता है, दूसरों में नहीं मिलता। घर में रहेगा तो हमको अपने आप जबरदस्ती करना पड़ेगा, और तीर्थाटन में जाएंगे तो जबरदस्ती मजबूरन करना पड़ता, क्योंकि और दूसरा राह नहीं। जो एडजस्ट और अकोमोडेट, सबके साथ मिलना, सबको स्वीकार करना, हमारे शास्त्र यही कहा है कि वर्तमान में जिंदा रहो, अतीत को छोड़ दो, भविष्य को मत सोचो, वर्तमान ही जिंदगी है। समय का जब हम चिंतन करते हैं तो यही तो हम बार बार विचार करते हैं, परिव्राजक जीवन में, तीर्थाटन में हमको मजबूरन अतीत को छोड़ना पड़ता है, और भविष्यत को सोचते नहीं, जानते नहीं, इसलिए वर्तमान को स्वीकार करना, उसके साथ अपनाना, ये मजबूरन होता है, जबरदस्त। इसीलिए तीर्थाटन में ये सबसे बड़ा चीज है। और क्या होता है तीर्थाटन में? भावना, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ता है। हर पल में हम जो परिस्थिति आता है हमारे
हम हमेशा ही ये सोचते हैं भगवान हमको सुविधा मिल जाए, और जहाँ कोई तीर्थ स्थान है वहाँ अवश्य कुछ ना कुछ भगवान संबंधी कोई चर्चा अवश्य होता है, तो सत्संग भी मिलता है। और भी एक चीज़ होता है जिसको हम खरी चर्चा करने की बात नहीं है, तीर्थ में तीर्थ पुरोहित होते हैं, तीर्थ पुरोहित पंडों को बोलते हैं और सबको अनुभव है पंडे लोग कैसे परेशान करते हैं तीर्थ यात्रियों को। ये भगवान के तरफ से, प्रकृति के तरफ से एक बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। सबसे बड़ा टेस्ट तो पंडों के साथ लड़ना पंडों के साथ लड़के के जो जीत गया और मन का शांति रखा वो सच्चा तीर्थ किया। पंडों का, तीर्थ पुरोहितों का ये जो असंतोष या झगड़ा, ये तीर्थ यात्रियों के लिए एक वरदान है। ऐसा अगर परिस्थिति नहीं होगा तुम्हारे इंटरव्यू कैसा होगा गुरुदेव यूज्ड टू से, अरे जब कोई रास्ता में कोई भीख मंगा को मिलते हो उसका पैर छुओ। क्यों क्यों? अरे वो तुमको एक मौका दिया दान करने के लिए, यार तुम्हारे 10 रुपया कौन लेने वाला है? इसीलिए वो मौका दिया, कृतज्ञता दिखाओ, उनके पैर छुओ। भगवान उस रूप में आया है तुम्हारे मन को शोधन करने के लिए, शुद्ध पवित्र करने के लिए, दान करने के लिए मौका दिया वो। तो ऐसे ही पंडे लोग जो परेशान करते हैं जातियों को, वो हमको कितने बड़ा मौका दे रहे हैं मन का समता को रखने के लिए और एडजस्ट करने के लिए। अगर गुस्सा हो गए, झगड़ा कर लिए, तुम गया तुम्हारे सारा तीर्थ खाक हुआ, चूल्हा में गया। इसीलिए तीर्थ में इतनी सारा फायदा है, इतने फायदा जब है तीर्थ में और दूसरे लोगों का सहयोग मिलता है, कभी दूसरे लोगों का दुश्मनी भी झेलना पड़ेगा रास्ता में, एडजस्ट अकोमोडेट होते हो रहेगा ये। इसी प्रकार तीर्थाटन में मन का बहुत कुछ साधन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। और जहाँ गए, एक हमारा विधान है कुछ दान करना, तो दान करने से ममता भी चला जाता है। अच्छा, और एक चीज़ हमारा तीर्थाटन में लिखा हुआ है जिसको हम साधारण नहीं करते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। हर तीर्थ में एक बदगुणों को त्याग करने का विधान है। हर तीर्थ में गंगोत्री गए, अच्छा गंगा मैया का जल हाथ में लिया, कसम खाया, मैया मैं तेरे नाम पर कसम खाता हूँ मैं बीड़ी छोड़ दूँगा, आज से बीड़ी नहीं पीऊँगा। एक बदनाम बदगुण गया ना, चार धाम जाएंगे, चार बदगुण हमारा चले जाएगा। ये भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलता है साधना क्षेत्र में, साधक लोगों को बहुत सुंदर मौका मिलता है।
तीर्थ में एक कभी कसम खा लिया और फिर डर लगता है, नहीं तोड़ूंगा नहीं। घर में कसम खाया तो तोड़ देंगे, लेकिन तीर्थ में सबके सामने गंगा जल हाथ में लिया, राम जी के सामने कसम खाया, बांके बिहारी के पास में उनका पैर छू करके प्रण किया, कैसे तोड़ दूँ, डर लगता है। इसी प्रकार बहुत सारे तीर्थाटन में हमारे मन का शुद्धिकरण होता है। उसने तीर्थों में, वनों में और आश्रम में परिभ्रमण किया, जंगल जंगल घूमा। जंगल घूमने से फायदा क्या होगा? जंगल घूमने से एकांत और भय दूर हो जाएगा। जी, बाघ भालू इनके प्रति भय जो है हमारा, हिंस्र प्राणी के साथ रहने से भय दूर होगा। भय होता है नहीं, भय दूर होता है। और दोस्तों के साथ रहने से वो तो आसक्ति बढ़ता है, भय कहाँ दूर होगा। इसीलिए जंगल में घूमना चाहिए, भोजन पानी के लिए जंगली पत्ता लता जड़ी बूटी फल कंद ये सब खा करके रहना, ये तो पड़ेगा। इसीलिए शरीर का भी कायाकल्प हो जाता है। तो जंगल में कुछ समय के लिए सब रहना चाहिए। आश्रम में परिभ्रमण किया, आश्रम में क्या मिलेगा यार? आश्रम में तो रोजाना भंडारा होता है, महाराज जी भंडारा खा करके जाएंगे। यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एंड स्टिल ना टिल नाउ यू आर सिटिंग। ओह आई डिडंट नो आई कुड हैव टॉक्ड समथिंग इन इंग्लिश बट यू हैव सो मच पेशेंस। Without understanding, you are sitting here for 1 hour. Without understanding anything, you could sit here for 1 hour. That is great thing. Patience. Thank you so much. Have your food and go. Yes, yes, you can have food and you can stay overnight. Okay, please wait. Thank you for your patience. अरे हाँ, बिना समझे 1 घंटा बैठना। अरे वाह, क्या कमाल कर दिया। So in this way, आश्रम में क्या मिलेगा? यही तो मिलता है, हमारे सामने मिल गया। आश्रम में कितने किस्म के लोग मिलते हैं, कितनी चीज शिक्षा मिलती है। महात्मा लोगों का अलग अलग किस्म का दिमाग, अलग अलग किस्म का जिंदगी, अलग अलग किस्म के साधन भजन प्रक्रिया, बहुत कुछ आश्रम में मिलता है। आश्रम में एक पवित्र स्थान होता है, वातावरण शुद्ध होता है, जिसमें रहने से मन शांत शांति को प्राप्त होता है। जो घर गृहस्थी से आश्रम में पहला बार आएगा उसको पता होता है कितना
कितने परिवर्तन, आपको कितने नया चीज आपको आश्रम में मिलता है। आश्रम एक पवित्र स्थान, जहाँ रहने से मन पवित्र होगा। पवित्रता मतलब शुद्ध है, शुद्ध खाली आश्रम नहीं, जंगल, इसीलिए जंगल का नाम बताया, नदी तट, कहीं पहाड़ के चोटियाँ, कहीं मंदिरों में, कहीं तीर्थ स्थान में रहने से मन का शुद्ध पवित्रता मिलती है। इसीलिए इसका सेवन किया सिखी ध्वज, मन को पवित्र करूंगा। फिर कल देखते हैं और क्या क्या किया सिखी ध्वज, कैसे उसका वैराग और त्याग धीरे धीरे इंटेंसिफाई हुआ। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जगवंशी।